मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज अहमद मुज्तबा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? बिल्कुल तब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंड इस सर्दी को। एज यू कैन हियर राइट नाउ, आई एम नॉट फीलिंग वेल बिकॉज आई एम अंडर द वेदर, और फ्लू कफ ये सीजन जो है वो अब ऑन है, तो इसके साथ ही जो है वो अब चलना पड़ेगा। एनीवेज, आज की जो वीडियो है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट वंस अगेन एन एमली फाउंडेशन। आज मैं मार्केट गया, आई फाउंड लाइक अनदर वर्जन ऑफ एमली का डबल वेयर। ये मैंने काफ़ी ऑनलाइन देखा भी है कि इसके दो अदद वर्जन्स है, एक तो ये जिसका मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो रिव्यू दे चुका हूँ मैं, द सेकेंड वन इज दिस। सो दिस इज एमली डबल वेयर स्टे इन प्लेस मेकअप SPF 10 एंड दिस वन इज डबल वेयर मैक्सिमम कवर फाउंडेशन, जो ओल्ड वन थी कैमोफ्लाज मेकअप। तो ये दो तरह के इसके जो है वर्जन मुझे वहाँ पे नजर आए, तो मैंने कहा यार आई वांट टू ट्राई दिस वन। अच्छा, अगर आपने कभी जो है Estée Lauder की डबल वेयर देखी हो तो दिस इज द एग्जैक्ट काइंड ऑफ यू नो सिमिलर पैकेज। कलर भी उसका जो है वो कार्डबोर्ड का इसी तरह का होता है, एंड दिस टाइम एग्जैक्टली अंदर की जो बॉटल है वो भी सेम है। सो दिस इज द बॉटल। तो जिस किसी ने भी Estée Lauder की डबल वेयर फाउंडेशन देखी है तो दिस इज यू नो काइंड ऑफ एग्जैक्टली द सेम। आप देख सकते हैं जो टिंटेड ग्लास बॉटल है। अच्छा, मुझे एक तो समझ नहीं आती कि इतनी सस्ती फाउंडेशन है एमली की, लेकिन फिर भी उनकी जो पैकेजिंग है, कैन यू सी ये जो टिंटेड ग्लास बॉटल है ना, ये इतनी खूबसूरत लगती है, ऐसे हाई एंड फाउंडेशन लगती है कि मैं कहता हूँ क्या बात है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्यों उन्होंने जो है वो दो वर्जन निकाले हैं डबल वेयर के। मैंने वहाँ पे इसका स्वॉच किया, आई वॉज ब्लोन अवे। तो मैंने कहा ओके ले लेता हूँ। तो मुझे ये तकरीबन पड़ी है 700 रुपीज की। आई वॉज हैप्पी बिकॉज इसमें जो है मुझे 01 शेड जो था वो मिल गया, जो कि मैं उस डबल वेयर के अंदर मांग रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं था। सो मे बी दैट्स वाई मुझे ये फाउंडेशन इतनी अच्छी लगी। दिस इज गोइंग टू बी वंस अगेन अ वेरी लाइटर शेड, बट आई एम स्टिल गोइंग टू ट्राई इट आउट। और मैंने कहा इसके बारे में वीडियो बनाना जरूरी है बिकॉज ये दो तरह के वर्जन मिल रहे हैं, अगर आपको वो वर्जन मिलता है तो वो भी बहुत अच्छा है। और अभी मैं ये लगा के जो है वो देखूंगा कि ये कैसा है, बिकॉज मैंने इसको अभी तक अपनी स्किन के ऊपर ट्राई नहीं किया। आई जस्ट watched it there और मुझे बहुत अच्छा इसका शेड लगा, तो मैंने इसको बाय किया। बट बिफोर गेटिंग इन टू दिस वीडियो, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन गो एंड हिट सब्सक्राइब, और साथ में घंटी जरूर बजाएगा ताकि जब कभी भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो ये जनाब फाउंडेशन, एंड दिस इज अ ब्रांड न्यू पम्प जो कि मैंने आज ही बाय किया है। वो वाली फाउंडेशन तो मैंने ऑलरेडी यू नो ट्राई करके आपको रिव्यू दिया था, बट दिस इज गोइंग टू बी रियल फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस फाउंडेशन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ये pump it out for the first time. Kind of similar texture लग रहा है मुझे यहाँ पे। This is again a very thick foundation. मुझे थोड़ी different लग रही है इसकी smell. I just washed my face. इस वक्त मेरे फेस के ऊपर कुछ भी नहीं, even ना कि moisturizer. On half of my face I'll be using a brush and half face के ऊपर I'll be using my beauty blender. Shade, as you can see, this is number one and this is really beautiful ivory 45 kind of shade, but this is yellow undertone, so I'm just loving this foundation. Okay, again the coverage is from the swatch, I can see कि दिस कवरेज इज़ लाइक रियली वेरी ब्यूटीफुल फुल कवरेज फाउंडेशन। लेकिन इसका जो टेक्स्चर है वो मुझे फील हो रहा था वहाँ पे लगा के जब मैंने स्वॉच किया था इसको, कि इसका जो टेक्स्चर है दैट इज़ नॉट दैट यू नो क्रीमी। जो दूसरी डबल वेयर है उसका जो टेक्स्चर है वो काफ़ी इमोलियंट है, क्रीमी है। दिस इज़ वेरी थिन एंड कह लो कि इसका जो टेक्स्चर है दैट इज़ रियली लाइट वेट। माई ब्रश विच इज़ अ फाउंडेशन ब्रश, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड दिस वन। डेफिनेटली आप देख सकते हो कि दिस इज नॉट दैट शाइनिंग, दिस इज मोर ऑन टू द मैट साइड। लगाते ही उसकी तरह नहीं कि वो थोड़ा सा आपको पहले थोड़ा सा इमोलियंट और हल्का सा ऑयली लगता है, उसके बाद जब वो सेट हो जाता है तो वो बिल्कुल मैट की तरफ जो है वो चला जाता है। ऑलराइट, सो मैं थोड़ा सा खुद क्लोज आ गया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए दैट हाउ ब्यूटीफुल दिस फाउंडेशन इज़ लुकिंग। दिस इज़ नॉट दैट ग्रीसी, नॉट दैट शाइनी, बट काफ़ी इसका जो है वो मैट और लाइट वेट, लाइक उससे थोड़ा सा लाइट वेट इसका जो है वो फील है। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस वन विद द स्पॉन्ज। लाइक आई एम शॉक्ड विद एमली के इतना अफोर्डेबल ब्रांड है और इसमें इतनी किस्म की फाउंडेशन हैं। लाइक सारी फाउंडेशन जो दो मैंने ट्राई की है और ये तीसरी है, अमेजिंग फाउंडेशन। सो आई वॉन्ट टू सी हाउ दिस गोज। वाओ, या इट डज ऑक्सीडाइज, बट कैन यू सी द कवरेज विद द ब्यूटी ब्लेंडर एज वेल। फर्स्ट इंप्रेशन में तो मैं इसका फैन हो चुका हूँ बिकॉज
दिस इज लुकिंग अमेजिंग अमेजिंग. कोई एफर्ट नहीं मुझे करना पड़ा इसको ब्लेंड करने के लिए. इट इज ब्लेंडेड रियली वेरी इजीली एंड दिस इज लुकिंग सो 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 ब्यूटीफुल. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये ब्यूटी ब्लेंडर से इतनी अच्छी कवरेज जो है वो देगा. दिस इज द क्लोज अप. एज यू कैन सी दिस साइड इज लुकिंग अ लिटिल बिट डल. एंड ये पहले अप्लाई की थी तो ये हल्का सा बिल्कुल लाइट सा ऑक्सीडाइज हुआ, इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हुआ. एज यू कैन सी शेड्स में इतना ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है. दिस इज फ्रेशली अप्लाइड एंड दिस इज द वन आई हैव अप्लाइड बिफोर. बट वाओ अमेजिंग. सो मैं बाकी जो है वो फेसेस के ऊपर ये फाउंडेशन अप्लाई करता हूँ एंड आई विल सेट इट विद अ ट्रांसल्यूसेंट पाउडर एंड आई विल बी राइट बैक विद द फिनिश्ड लुक. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन टू द व्यू गाइस एंड दिस इज द फिनिश्ड लुक. वाओ एमिली, क्या करती जा रही हो एमिली. दिस फाउंडेशन इज अमेजिंग आई वुड से. एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ब्रश से ज़्यादा जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर साइड जो है वो ज़्यादा पसंद आई. उसकी कवरेज बहुत पसंद आई. उसका एक कह लो फिनिश जो थी ना वो बहुत अच्छी थी एज कम्पेयर टू द ब्रश साइड, क्योंकि इट इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल सेमी मैट काइंड ऑफ फाउंडेशन. तो इसका जो रिजल्ट मुझे लगा, लाइक लगाते ही फर्स्ट इंप्रेशन जो मुझे लगा वो यही लगा कि इसको जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ यूज़ करना चाहिए. डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इट विल लुक फ्लॉलेस ऑन टू योर स्किन. और ब्रश के साथ मुझे पता नहीं क्यों आजकल, आप अगर मेरी रिसेंट वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि मुझे ब्रश के साथ फाउंडेशन जो है वो बहुत ही ड्राई सी लगती है, मुझे को मज़ा नहीं आता. तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप लोग जो है उसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अप्लाई करें एंड दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल. दो मैंने शायद गूगल पे देखा है इसका इमेज कि ये इस किस्म की पैकेजिंग के अंदर भी आ रही है. अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें क्या डिफरेंस है. दिस इज़ अगेन डबल वेयर और ये भी डबल वेयर है. तो डबल वेयर में क्या मसला है आई रियली डोंट नो. पैकेजिंग जो है वो डिफरेंट है, साइज़ जो है वो डिफरेंट है. तो कि ये भी 30 ml है लेकिन स्टिल इट इज़ डिफरेंट. एंड कवरेज काइंड ऑफ एग्जैक्टली सेम. ये वैसे मैं इन दोनों की कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा. बट आई रियली लव दिस फाउंडेशन एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं. अगर आपको वो वर्जन नहीं मिलता, ये वर्जन मिलता है, दिस इज़ अ लिटिल बिट बेटर. आई फेल्ट इट लाइक लगाते हुए फर्स्ट इंप्रेशन में आई फेल्ट इट कि दिस इज़ अ लिटिल बिट बेटर. तो अगर आपको ये वर्जन मिलता है तो आप ये ले सकते हैं, वो मिलता तो वो ले सकते हैं. दोनों ही काम करेंगी बहुत अच्छे से. सो बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन. एक अगेन आप लोगों की लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड होने वाली है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दैट. आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.